स्क्रैप व्यापारी के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर 20 लाख रुपए व अल्टो गाड़ी छीन कर ले जाने के मामले में सीआईए टीम ने चंद घंटों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रविंद्र उर्फ राजवीर निवासी बिरह कला, अक्षय निवासी शेरपुर, देवेश व योगेश निवासी मोहतला कला, निखिल निवासी दड़ोली, प्रवीण निवासी दड़ोली के रूप में हुई है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों से लूट के दौरान छीनी गई अल्टो कार भी बरामद कर ली गई है। दरअसल अशोक निवासी शामदो अपने मामा सूरत निवासी नंदकरण माजरा जिला कैथल के साथ स्क्रैप का काम करता है। 9 फरवरी को वह अपने मामा सूरत प्रकाश व सुभाष पवन व बंटी के साथ अपनी अल्टो गाड़ी में बैठकर स्क्रैप खरीदने के लिए राजवीर उर्फ रविंद्र दलाल के पास भिवाड़ी आए थे। राजवीर उन्हें गोकलगढ़ अंडरपास के पास ले गया। कुछ दूरी के पास खड़े रविंदर के 5-6 लोगों ने उन्हें लाठी डंडों से मार पिटाई शुरू कर दी तथा उनकी गाड़ी में रखे 20 लाख रुपए छीन कर भाग गए। शिकायत मिलने पर थाना सदर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच में सीआईए टीम ने कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों का सुराग लगाकर चंद घंटों में ही मामले में संलिप्त आरोपियों का सुराग लगाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और छीनी हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद कर ली। रात को हमारे जिले में सदर थाने के अंतर्गत एक काफ़ी बड़ी वारदात हो गई थी, जिसमें एक स्क्रैप का व्यापारी था और वो व्यापारी यहाँ स्क्रैप लेने के लिए आया था। तो एक आदमी जो दारूवेड़ा में रहता है, धोखाधड़ी करके और उसको दारूवेड़ा से लेकर के यहाँ सदर के इलाके में काड़ूवास गाँव के नज़दीक आ गया और अपने साथी बुला करके और गाड़ी में जो 20 लाख रुपये थे वो भी छीन लिए। तो इस संदर्भ में हमारी सीआईए टीम ने एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार इधर देखिए इतना बढ़िया काम किया, 12 घंटे में ही सभी मुलजिम और गाड़ी और पैसा सब रिकवर कर लिया गया है और 6 मुलजिम हमने राउंड अप कर लिए हैं और अभी आगे तफ्तीश हमारी चल रही है और देखते हैं उनमें और कुछ क्या निकलता है। ये व्यापारी सामदी गाँव का था, कैथल में पड़ता है सामदी गांव, और जो ये लड़के हैं इनमें कुछ दादरी के हैं, कुछ हमारे रेवाड़ी के दड़ौली साइड के कोसली साइड के एक दो लड़के हैं इनमें, तो वो उसके पुराने जानकारी हैं जो सभी स्क्रैप के काम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कल उन्होंने 20 लाख बताया है जो मुदई है शोक कुमार, हमने तकरीबन 13 लाख के करीब 11.5 लाख के करीब रिकवर कर लिया है और अभी रिमांड लेने के उपरांत और भी जो रिकवरी बाकी है सारी रिकवरी कर ली जाएगी। इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें टोटल 7 आदमी शामिल हैं जिनमें से 6 हमने गिरफ्तार कर लिया है और उनके नाम मैं आपको दे दूंगा। सर ये जो अभी हमने वो रात में ही पकड़े हैं, अभी पूछताछ चल रही है और आगे इनका रिमांड हासिल किया जाएगा। रिमांड के दौरान जो कुछ पूछताछ में सामने आएगा वो आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। इसमें जो राजवीर नाम का एक आदमी है जो स्क्रैप का दलाल है, जो व्यापारियों को और स्क्रैप इकट्ठा करके वो दिलवाता है कमीशन बेस पे, और राजवीर की ही प्लानिंग के अनुसार इसने ये बाकी के लड़के इकट्ठे करके और ये वारदात कराई है। जो वो जिससे स्क्रैप खरीदना था उसी को देने थे, अपने घर से लेकर के वो आया था स्क्रैप खरीदने के लिए। नहीं, लाठी डंडा आ गई।